जय श्री कृष्ण। पुष्टि श्रृंगार की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में फाइनली हम फूल घर की सेवा के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके बेसिस के बारे में जानेंगे, जैसे कि कौन से फूल प्रभु को धराए सेवा में, कौन से नहीं धराए, और फूल माला जी बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब फूल घर की सेवा सीखने से पहले सबसे पहले पहली एक बात याद रखनी चाहिए कि फूल घर में विनियोग होने वाला हर एक फूल की पत्ती वो व्रज भक्त का रूप है और ठाकुर जी को अति प्रिय है, इसलिए वो हर फूल को आपको प्रेम पूर्वक हैंडल करना चाहिए। अब आता है एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या सभी पुष्प ठाकुर जी की सेवा में विनियोग कर सकते हैं हम? नहीं, सिर्फ उन्हीं फूलों का उपयोग करें, उन्हीं पुष्पों का विनियोग करें जिनकी एक सुंदर महक, जिनकी एक खुशबू हो। जैसे उष्ण काल में इस वीडियो के लिए हमने मालती, मधुमालती, जूही, कमल, मोगरो, बोरसली इत्यादि फूलों का विनियोग किया है। शीत काल में आप पारस, चंपा, पारिजात इत्यादि फूलों का उपयोग कर सकते हैं। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सीजनल नहीं होते, जो वर्ष भर जिनका विनियोग हम कर सकते हैं, जैसे कि कोयल, गुलाब, वसंत के फूल, गुलेनार इत्यादि। और गुलाब में आप चैत्री गुलाब, इंग्लिश रोज के हर रंग, नॉर्मल देसी गुलाब, उन सभी तरह के गुलाब का विनियोग सेवा में कर सकते हैं। अब फूल माला का मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पर्सनल भाव शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो शूट करते समय मन में एक सुंदर चित्र बना, एक सुंदर एहसास हुआ कि मानो प्रभु कुंज में विराज रहे और वहां एक शीतल एवं सुगंधित पवन पूरे कुंज को महका रही है और एक अलौकिक आनंद का एहसास करा रही है। और वहां कुछ गोपियां कुंज में खिले पुष्प के पेड़ से एक एक उत्तम से अति उत्तम पुष्प प्रभु सुखार्थ बिन रही है और वो हर एक पुष्प भी मान प्रभु सेवा का अवसर लेने के लिए अति आतुर बनकर अपनी सुंदरता एवं सुगंध से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। फिर उन बिने हुए पुष्प के अवर्णनीय श्रृंगार बना गोपिया ये श्रृंगार प्रभु को धरा रही है। हर एक पल, हर एक जीवित और निर्जीव गोपिया एवं वस्तु में केवल एक ही विचार है, प्रभु सुख। तो ये भाव हुआ फूल घर की सेवा करते समय। अब फूल घर सेवा में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले फूल घर सेवा में अपरस में ही जाएं। दूसरी बात, यदि आपने उंगली में एक रिंग पहनी है तो वो निकाल दें, क्योंकि कभी कभी रिंग में कुछ कचरा या फिर सामग्री सिद्ध करते समय कोई कणिका अंदर रह जाती है और यदि वो फूल की माला जी में आ जाए तो शायद प्रभु को श्रम पहुंचेगा। तीसरी बात, जैसा पहले कहा, हर एक फूल में व्रजभक्त का भाव है, इसलिए हैंडल ऑल फ्लावर्स विथ केयर। अपनी उंगलियां मिनिमम से मिनिमम फूल को टच हो वैसे सिद्ध करें, वैसे हैंडल करें। नंबर फोर, कम से कम बोल फूल माला जी सिद्ध करते समय। एंड नंबर फाइव, इफ पॉसिबल बी इन अ कूल रूम, ठंडे रूम में रहे ताकि फूल फ्रेश रहे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि गीले मलमल के कपड़े में भी वो फूल को रख सकते हैं। एंड फूल पर बार बार पानी मत छिड़ें। अब इस वीडियो के हेतु हम लालन की श्रीअंग की माला एवं फूल माला जी बनाना सीख, और दोनों ही श्रृंगार में हम मालती के फूलों का उपयोग करेंगे। फूल के माला जी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम थाग बना, थाग यानी नॉर्मल लैंग्वेज में पेंडेंट, द सेंटर पीस ऑफ अ माला। यहाँ हम लालन की श्रीअंग की माला जी बना रहे हैं, इसलिए थाग की साइज छोटी होनी चाहिए और थाग का ओवरऑल डायामीटर कम करने के लिए वी ट्रिम द फ्लावर एंड दिस इज कॉल्ड छांटना। छांटने से साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं और शेप भी प्रॉपर दे सकते हैं। हम यहाँ मालती की कली यानी बर्ड्स, उससे श्रीअंग की माला जी बनाएंगे और सेंटर में आएगा थाग। श्रीअंग की माला सिद्ध करने के बाद
अब हम गांधी जी की माला सिद्ध करेंगे एंड एज स्टेटेड हम शुरुआत थाग से करेंगे। सिंस थाग इज द सेंटर पीस ऑफ द माला जी, इट हैज टू बी प्रोमिनेंट एंड वी अचीव दैट बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स एज वेल एज वेरियस शेप एंड साइज। यानी थाग पूरी माला जी में नॉर्मली सबसे ज्यादा थिक पार्ट होता है एंड टू अचीव दैट थाग को एसेंडिंग ऑर्डर में बनाए, यानी थाग के दोनों एजेस छोटे और सेंटर पार्ट बड़ा रखे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, द आइडिया इज टू मेक द थाग स्टैंड आउट देन द रेस्ट ऑफ द माला जी। टू अचीव प्रॉपर शेप एंड टू मेंटेन द फ्रेशनेस ऑफ द फ्लावर्स, सीजर्स का उपयोग कम से कम करें एंड फोकस ऑन द वे यू फोल्ड द पेटल्स। Do you see what I mean? गुलाब की पत्ती को छोटा करने के लिए उसे हमने उसकी विड्थ से फोल्ड करें एंड उसे बड़ी रखने के लिए उसे हम उसकी लेंथ से फोल्ड करेंगे। एक बार थाग बन जाए उसके बाद बाकी की माला जी बनाए एंड उसमें भी यू कैन गेट क्रिएटिव एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल फ्लावर फॉर द एंटायर माला जी यूज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स एट रेगुलर इंटरवल। जैसे यहाँ पर हम मालती के साथ गुलाब और वसंती का कॉम्बिनेशन लेंगे। अब बारी आती है माला जी को सुई से धागे में उतारने की। हैव मल्टीपल नीडल्स इफ पॉसिबल विथ यू जिसमें आप माला के अलग अलग पार्ट्स को पिरो सकें एंड सबसे पहले थाक को धागे में उतारे एंड फिर उसके दोनों तरफ रेस्ट ऑफ द माला जी धागे में उतारे। तो ये थी फूलघर सेवा की बेसिक बातें। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वैष्णव तक पहुंचाएं, शेयर करें, नीचे कमेंट करें और उस वीडियो को लाइक करें। फूलघर सेवा के अलावा हम वस्त्र प्रकार, सेवा क्रम, श्रृंगार प्रकार, श्रृंगार क्रम, इन सभी के ऊपर बात करते हैं, वीडियोस बनाते हैं।
वैष्णव वार्ता के ऊपर भी हम वीडियोस बनाते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल YouTube चैनल पुष्टि श्रृंगार को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। और यदि आपको सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी साहित्य जैसे कि श्रृंगार, वस्त्र, सुगंधी, लगाव, कुंजा माला, नाव एक्सेट्रा चाहिए परचेज करना तो हमारी वेबसाइट pushtishrangar.com से परचेज करें और हमसे और जानकारी के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तीनों की ही लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी है, आप लिंक को क्लिक करें और हमसे जुड़ जाएं। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए पुष्टि श्रृंगार की ओर से जय श्री कृष्ण।